So I've just finished watching Saila Khadus and I'm still emotional. It's a knockout punch. It delivers. It's fantastic. It is basic. It reaches you. It is emotional. And I loved the girl. She's done extremely well. Madhyam, the story, the direction. I'm really kind of in awe of this film. सबसे खड़ूस डायरेक्टर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ सबसे खड़ूस डायरेक्टर मैं प्रोड्यूसर में नहीं बोलूँगा प्रॉब्लम हो जाएगी खड़ूस डायरेक्टर कौन है पता नहीं पुराने जमाने में होते थे मेरे ख्याल से एक्टर आप तो कई सारे लोगों के साथ एक्टर अगर आप बता सकते फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने सच सच कह दिया तो ऐसा नहीं है मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है एक्टर्स के प्रति तो मतलब स्पेक्टेकुलर रहा है तो मैं बोल ही नहीं सकता कौन खड़ूस है जरूर कहा होगा जरूर कहा होगा साला तो बहुत लोगों का है साला खड़ूस कहा होगा पक्का मतलब कि जब मैं खास करके जब मैं ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता था तब तो जरूर ही कहा होगा मुझे बहुत लोग कहते हैं मेरे असिस्टेंट्स ही कहते हैं यूनिट के लोग कहते हैं इनका जी वो ऐसा मौका कब आता है कि जब आप खड़ूस बन जाते हैं आप सोचते हैं कि अब मैं खड़ूस बन जाना चाहिए आज मैं खड़ूस हो गया हूँ ऐसा कब मौका ऐसा मौका अक्सर आता रहता है जब मैं खड़ूस हो जाता हूँ मेरे ख्याल से अपने काम में अक्सर मुझे ऐसा होना होता है जब लोगों को लगता है कि ये सीन बड़ा अच्छा है इसको क्यों काट रहा है मुझे बोल काटना होता है तो फिर खड़ूस बनना पड़ता है गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड एवरीबॉडी शुड सपोर्ट बट स्पोर्ट्स फिल्म्स आर बीइंग सीन इन दिस कंट्री इन इंडिया लॉट बिकॉज गुड स्पोर्ट्स फिल्म्स आर फाइनली बीइंग मेड इन दिस कंट्री लाइक साला खड़ूस लाइक चक दे Like Mary Kom and all that. All of these are such good films. Any sports personality जिसके ऊपर आप बनाना चाहें आप भी कभी सोचा होगा? Shahrukh Singh. Yeah, no, no, but नहीं see Azharuddin somebody is making a film on. I think that's good. Kapil Dev पे film बननी चाहिए मेरे ख्याल से. Most अच्छा ध्यानचंद पे film बननी चाहिए पक्की बात. मत हाँ बोलो. राजकुमार हिरानी जी अब संजय दत्त की बायोपिक पर फिल्म कर रहे हैं रणबीर कपूर करने वाले हैं कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें मैं अभी फिल्म बननी शुरू भी नहीं हुई है तो एक्साइटमेंट मुझे तो अभी से है बट बहुत पहले इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर के क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है मुझे लगता है Me and Katrina break up. So, I have no idea. I wanted to have your version on it. There is no version on it. I have nothing to say about it. I don't even. It's very subjective. I don't comment on other people's personal relationships. Yeah. Thank you. Very inspiring. मैंने नहीं expect किया था. Expectation से बहुत ज़्यादा अच्छी निकली. और जो हमारी star हैं मधी और माधवन. They are fantastic. They both totally surprised me. And you know, जब एक बहुत खूबसूरत अच्छी सिंपल सी फिल्म बनती है तो उसकी सिंपलिसिटी लोगों तक पहुँच जाती है अगर वो ऑनेस्टी के साथ बनी हो I'd like to congratulate the director and Raju ji for you know putting this on screen. And I'm all the best from my side. I think it's a beautiful simple film and people will like it. सुनील ये सब सब जानना चाहते हैं सब क्वेश्चंस एक तो आपकी जिंदगी में साला खड़ूस कौन है मेरे पापा कहाँ है के आसपास वो खड़ूस है इसलिए सुनिए दीजिए आपने कभी खड़ूस सिंगर सुखविंदर सिंह बहुत खड़ूस मतलब इन अ गुड वे एंड आप डू पीपल फाइंड यू लाइक दे वांट टू आस्क आई थिंक आपको लगता है मैं खड़ूस हूँ नहीं कुछ लोग सोचते हैं मैं खड़ूस हूँ आई थिंक थोड़ा खड़ूस सबको होना चाहिए आपकी अपनी जिंदगी है बताइए ना कब है वो जी अभी तक उस बारे में हम बात नहीं कर सकते
बट आपने पढ़ाई होगा उस बारे में, तो वो सच है. अब देखते हैं वो जब डेट्स फाइनलाइज वगैरह होंगी तो जरूर करेंगे. ये बहुत ब्रॉड हिंट है, थोड़ा सा कंसाइज में दीजिए कि कौन है, किस तरह की फिल्म होगी, मतलब किस तरह की. आई थिंक नागेश ने करना चाहती है, किस तरह मैं बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ. मैं आई एम ओपन फॉर एक्टिंग नाउ, मुझे मज़ा आता है, मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है, मुझे अब एक्ट करना भी अच्छा लगता है. तो आई एड लाइक टू ट्राई माई हैंड इन इट. और जहाँ तक मेरी उस फिल्म की बात है तो नागेश ने अपने इंटरव्यू में काफ़ी विस्तार में बता ही दिया था किस तरह की फिल्म है. नागेश कुकनूर. सो जब अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उसमें, तो जब डेट्स फाइनलाइज की जाएंगी तो ही हम शुरुआत कर सकते हैं. तो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट. फर्स्ट फाइव से शुरू नहीं नहीं नहीं, अभी वी आर वर्किंग ऑन द डेट्स. Thank you so much. Thank you. Same to you. Happy Republic Day. How was the film? कैसी थी फिल्म? बहुत अच्छे थे, बहुत मुझे बहुत मोटिवेशन मिला इस मूवी में, बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि लाइक हम लोग लास्ट 18 ईयर से हम जो फेस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आए बॉक्सिंग के अंदर, और फिर हम लोग ने फाइट किया पूरा लास्ट 15 ईयर से हम इंडिया टीम में खेल रहे हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो उसमें अभी इंडियन बॉक्सिंग में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें भी थोड़ा सा हाई दिखाया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. रितिका को देखा आपने एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगी है, मतलब बहुत अच्छी लगी है. वो बॉक्सर जैसा दिख रहा था. मैं मतलब उसने फाइट किया या पैडिंग या बैक में मार रहे थे जब रियल बॉक्सर लग रहे थे. आप लोग करेंगे एक्टिंग अभी कुछ समय में, आप लोग हीरोइन बनना चाहती हैं? नहीं नहीं, हम रिंकी अंदर में हीरोइन हूँ, बाहर में मूवी मूवी में नहीं. कोई एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें, ऐसी कोई एक्टर जिसकी पसंद हो आप? अभी तक तो हमने सोचा नहीं है क्योंकि अभी बहुत बिजी शेड्यूल है. अभी ओलंपिक क्वालिफाई आने वाला है मार्च में, अभी साफ गेम है, तो कंटिन्यूसली हम लोग को फोकस गेम में फोकस है. तो आप बाकी टाइम सोचने के लिए अभी बहुत नहीं है. फोकस तो ठीक है, फिर भी कोई एक्टर ऐसा सोचा हो जैसे इम्तियाज जी पीछे से जा रहे हैं, उनके साथ काम करना चाहेंगे आप? Can you give an example, like any actor, actresses? Ritika, please guide them. They want, also want to become actress. एक सेकंड, क्या 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 हो गया आपको? आपका एक्ट्रेस बनना है? नहीं 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 बनना है, ये लोग ज्यादा डिफिकल्ट काम है. बहुत ही वही कोई एक एक्टर करना हो तो आप बताएं, दोनों के लिए एक-एक बता. अभी अभी तक मैं ये है बॉक्सिंग के मूवी में ये अच्छा बॉक्सिंग कर रही है. अरे क्या आपके आपके कलीग्स हैं आपके साथ में, इनका फीडबैक आपको कैसा लगा? एक्चुअली मेरे मैं इनको फर्स्ट टाइम मिली हूँ इन पर्सन, बट मैं जानती हूँ इन दोनों को, ऑफकोर्स बहुत फेमस बॉक्सर्स हैं ये. और जब इन्होंने बोला कि इनको फिल्म अच्छी लगी तो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, बस मतलब कम्प्लीट. थैंक यू सो मच. हमें जब बॉक्सिंग करते हैं थोड़ा विजुअल चाहिए, दिखाई कैसे करते हैं आप? जी मैं की बॉक्सिंग, अभी हम लोग कपड़े भी चलते हैं बॉक्सिंग का एक्शन करके. आप दोनों करो, आप दोनों अभी तो बहुत जरूरी है, हर लड़की को बॉक्सिंग आना चाहिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए है. और दिखाएंगे तभी तो आएगा. शो योर पंचेस इन बिटवीन योरसेल्फ. प्लीज प्लीज. Thank you. Bye bye. Bye. Bye sir. Bye. हम लोगों ने कल एक रखी थी चंडीगढ़ में सिर्फ बॉक्सर्स के लिए, तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जितने बॉक्सर्स सब लोग आए थे, और मतलब
पागल पर होगा थिएटर में, मतलब इतना इतना मजा आया पूछो मत, बहुत मजा आया। आमिर खान आने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आएंगे, वो शायद दिल्ली में आएंगे, जहाँ हम लोग कल जाएंगे। मैं बहुत सबकी फैन हूँ, जैसे प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सबकी मुझे सब बहुत पसंद है, सब सब। एक्टर? एक्टर रणवीर सिंह, माधवन सर, ओके माधवन सर, रणवीर सिंह, बस इतना ठीक है। इसमें आपका ध्यान रहेगा एक्टिंग में या लाइक यू विल बी गोइंग टू बॉक्सिंग वापस से? नहीं, अगर कुछ अच्छा मिलता है करने के लिए तो मैं एक्टिंग करूंगी, अदरवाइज जो बॉक्सिंग, जो बॉक्सिंग तो नहीं, मतलब कराटे की बॉक्सिंग बचपन से है मेरे साथ, मार्शल आर्ट्स बचपन से है, वो कभी छोड़ूंगी नहीं, वो तो हमेशा रहेगा लाइफ में। एंड वी वुड आल्सो लाइक टू सी यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू, सच अ चार्मिंग एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आमिर भी फिल्म देखने वाले हैं, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप उनसे? मैं एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि वो आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फिल्म देखने आ रहे हैं वो, एंड बस मुझे इसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू, थैंक यू।